आप देख रहे हैं कि लोकल जर्नलिस्ट दोषियों को मिली सजा से खुश नहीं है तबरेज की पत्नी। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड की एक कोर्ट ने दोषी ठहराए गए सभी अभियुक्तियों को 10 साल की सजा सुनाई है। झारखंड के सरायकेला जिले की कोर्ट ने इससे पहले पिछले हफ्ते 10 अभियुक्तियों को दोषी ठहराया था और 2 अभियुक्तियों को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर रिहा कर दिया था। ये मामला करीब 4 साल पुराना है। तब तबरेज की चोरी के आरोप में पिटाई की गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। सरायकेला के फर्स्ट एडिशनल सेशन जज अमित शेखर ने सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए लोगों को आईपीसी की धारा 304 गैर इरादन हत्या के तहत सजा सुनाई। तबरेज अंसारी की पत्नी साइस्ता परवीन ने कहा कि वो दोषियों को सुनाई गई सजा से खुश नहीं है और हाई कोर्ट में अपील करेंगी। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने भी कहा है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगी। तबरेज अंसारी के वकील अल्ताफ अंसारी ने बताया जजमेंट में 304 पार्ट 1 में 10 साल, 325 323 में 8 महीने और 295 में 1 साल सजा दी गई है। इसके साथ दोषियों पर कुछ फाइन भी लगा है क्योंकि इसमें इंटेंशन का एविडेंस नहीं पाया गया। जज साहब का ऑब्जर्वेशन है कि मौत 4 दिन बाद हुई है, इसलिए मरने का इंटेंशन साबित नहीं हुआ। मामले के मुख्य अभियुक्त प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही जेल में थे। केस में अभियुक्त बनाए गए कुल 13 लोगों में से एक कौशल महाली की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। बाकी 2 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। तबरेज अंसारी की पत्नी साइस्ता को इस बात का सुकून है कि उनके पति को इंसाफ मिला, लेकिन वो सजा की अवधि से नाखुश है। उन्होंने कहा, अब मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार हूं। जीवन का एक ही मकसद है कि मेरे पति को इंसाफ मिले। पिछले 4 साल से मामले की पैरवी कर रही साइस्ता ने कहा, इन 4 सालों में अपने हस्बैंड को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। जहां भी जाना पड़ा मैं वहां गई। दुनिया भर का सपोर्ट मुझे मिला, लेकिन अपने आप में जो परेशानी है उसे तो मैं ही झेल रही हूँ। तबरेज के पुश्तैनी घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर बहरासाई गांव में साइस्ता परवीन का मायका है। साइस्ता पति की मौत के बाद से अपने भाई, 3 बहनों और माँ पिता के साथ रह रही हैं। साइस्ता बताती हैं, घर की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं थी। पापा पहले टेलर का काम किया करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं करते। लेकिन इस दौरान बहुत से लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए, जिससे आर्थिक मदद मिलती गई। उन्होंने बताया कि मुझे ससुराल से कभी मेरी ये लड़ाई मुझे 4 साल खुद ही लड़नी पड़ी। तबरेज अंसारी के मामा सोएब खान ने फैसले पर खुशी जाहिर की है। झारखंड विधानसभा में 21 दिसंबर 2021 को भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया गया। इस बिल में जुर्माने के साथ संपत्ति की कुर्की और 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन राज्यपाल ने इस विधेयक की कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जाहिर करते हुए इसे संशोधन के लिए वापस झारखंड सरकार के पास भेज दिया। इस वजह से इस विधेयक को कानून के तौर पर आज तक मंजूरी नहीं मिली है। साइस्ता कहती है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, मेरे पति ही नहीं और भी कई लोग हैं जिन्हें मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया। इस मॉब लिंचिंग पर कानून बनना जरूरी है। इससे जुड़े और भी जानकारियों के लिए देखते रहें दी लोकल।